नमस्कार किसान भाइयों, आज हम नन्नू गांव में हैं। रोबिन त्यागी जी के यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ऑन रोड ही हैं, बिल्कुल बाईपास पे। और किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी जो है कोठी बनन लग रही है इनकी, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तकड़ी जो है इन्होंने ऊंचाई ली है यहाँ से, और बहुत ही काफ़ी अच्छे किसान हैं। तो नमस्कार जी, आपका परिचय जी? सर मेरा नाम गोविंद त्यागी। अच्छा जी, श्री महेश चंद त्यागी, गांव नानू जी, तहसील फलरा, जिला मेरा। अच्छा जी, तो जी ये कोठी कब बनानी शुरू करी जी? 3 साल हो गए जी। अच्छा, और इससे पहले गांव में अंदर घर है? हाँ जी। अच्छी, वो कितना पुराना है जी? 40 साल के आसपास। अच्छा, पुराना मॉडल है। पुराना किसान भाइयों, अभी अभी हम वहाँ से ही खाना खा के आ रहे हैं। वो भी वैसा काफ़ी अच्छा मजबूत है घर, लेकिन वो पुराने टाइम का है, कड़ियों का है, अच्छा प्यारा घर है वो भी, लेकिन ये नए मॉडल का है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, करीब 14-15 फुट का लेंटर है, और बहुत ही अच्छा बना दिया। तो भैया ये मिस्त्री कहाँ का जी? ये गाँव का है जी। अच्छा जी, क्या नाम है? बबलू है जी। अच्छा बबलू। अच्छा, मतलब आपके मेली चली है? हाँ, मेली चली है। अच्छा अच्छा, तो इसमें बेसमेंट में जी आपने जो ये बीम बाम भरवाए, कितनी ईंट लगी इसमें अब तक? इसमें लगी थी 3 लाख रुपये लगी। तीन लाख ईंट लगी। अच्छा, 3 लाख ईंट लगी, क्योंकि ये जमीन से जो हम देख रहे हैं बाईपास भी काफ़ी ऊंचा हुआ। सड़क है जी, इस सड़क से हमारा मकान 40 फीट था झील में। अच्छा, ये जो प्लॉट था? बिल्कुल बिल्कुल है, इसको हमने 9.5 फुट भरा हुआ। किसान भाइयों, अब जो है हम 4 फुट वो है और बाकी हम खड़े हैं। अच्छा किसान भाइयों, सड़क से जो है 6 फुट ऊंचाई पर खड़े हैं हम। तो जी ये ट्रैक्टर आपके पास कौन सा मॉडल है जी? 2019 है। अच्छा 2019 है, तो ये कितना चला जी जब से? 400 घंटे। अच्छा जी, 400 घंटे। तो जी एक बार ऊपर बैठ के सेल्फ लगा दो जी जरा सी। किसान भाइयों, पावर स्टीयरिंग में है और 13-6-28 के टायरों में है, अगले 6-16 के हैं। किसान भाइयों, अच्छी पर्सनैलिटी होने के साथ साथ में बहुत अच्छे इंसान भी हैं, काफ़ी हंसी मजाक भी करते हैं। क्या गजब आवाज है ट्रैक्टर की। तो जी ट्रैक्टर पसंद है? अच्छा, क्या क्या चला रहे हैं इसमें? मतलब वो टीलर है, हैरो है, रूटर है। अच्छा रूटर है, बंद कर दो जी, बंद कर दो। किसान भाइयों, ये पहला 575 DI है जो हंटिंग कर रहा था फोर्ड की तरह, बहुत अच्छा लगता है। तो ये रोटर कौन सी कंपनी का है? तो जी हमारे पे शक्तिमान का है। हाँ, शक्तिमान का तो नंबर 1 है जी। तो जी भैया जी, इससे पहले कौन कौन से ट्रैक्टर रख लिए? अच्छा, ये पुश्तैनी चला रहा जी? हाँ, पुश्तैनी। किसान भाइयों, आओ देख लेते हैं कि जो ये सारा ताम झाम चल रहा है, ये कौन से ने कमाया। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, भैया ही सैनी बेखते एस्कॉर्ट है। भैया जी कौन सा मॉडल है जी? ये जी 86 मॉडल। अच्छा 86 मॉडल, तब से आपके पास ही है जी? भाई वाह। किसान भाइयों, आज एक फैमिली और मुझे ऐसी मिल गई जो खानदानी होने के साथ साथ में जीदार भी हैं, शौकीन भाई हैं। ये देख सकते हैं अगले टायर इसमें नए पड़े अभी। तो जी काम करवाया है इसमें? हाँ जी काम करवाया। अच्छा कितना खर्चा आ गया था? अच्छा टायर गिरवाए और सब अंदर से सारा? अच्छा जी, ना ना कोई बात नहीं। तो जी मतलब इससे जो है, मतलब पहले तो सारे काम कराए इससे, महिंद्रा के आने से कुछ मदद होगी इसकी? तो हम जो है अपना जो खेत जुताई करनी गहरी जाते हैं। हाँ। जब ले जानी सारा काम अभी करें। अच्छा गन्ने पन्ने सभी चीज है? हाँ, इसे करेगा। भाई वाह। और किसान भाइयों, एक मैं खास बात और बताऊंगा जो मेरे भाइयों को पता नहीं होगी, लोग बाग ज्यादातर मेस्सी से ही जोत रहे, लेकिन मेस्सी के मुकाबले ये ट्रैक्टर जो है ऊंचा है, नीचे से ऊंचा है, और ये जो है अगले हिसाब से भी और पीछा भी ऊंचा है इसका, और ये बहुत अच्छी जोतता है। अगर कोई मेरे किसान भाई एस्कॉर्ट से परेशान है, उनका एस्कॉर्ट बढ़िया लगता है, ये नहीं और वो नहीं, तो भाई 2 सिलेंडर में पूरी दुनिया में सबसे कामयाब ट्रैक्टर यही है, कम खर्चे का है। अच्छा जी एक बार बैठ के स्टार्ट करो। Thank you.
क्या गजब आवाज है ट्रैक्टर की, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बंद कर दो जी। तो भैया यो तो बिकाऊ नहीं होगा ट्रैक्टर? अच्छा ये रहेगा, ये रहेगा आपके पास? बिल्कुल किसान भाई हो, इन्होंने इसकी कमाई खाई है तो ये भी इसके प्रति उतने ही ईमानदार हैं, दिल से ही मोहब्बत अपने ट्रैक्टर से, नए तो और भी आ सके इनके पास में, लेकिन यही सर रखेंगे जो हम भाई होता बेचना तो इसमें पैसे लगाते। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसान भाइयों 50-60 हज़ार रुपए ऐसे नहीं लगते ट्रैक्टर तो खूब है सर जी, बड़े बड़े पर जैसी ट्रॉली यू निकालते हैं ट्रॉली को टैंक। बिल्कुल सही बात है, हमने चला रखा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, भैया की बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद, जुड़े रहिए।